अगली खबर मध्य प्रदेश के लटोरी से आ रही है, जहां आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने लटेरी, सुनखेर, आनंदपुर आदि गांव का दौरा किया। आपको बता दें कि लटेरी कांग्रेस ने पूर्व मंत्री को कई जगहों पर रोककर ढोल, माला, पगड़ी, मिठाई आदि से सम्मानित किया। यहां पूर्व विधायक प्रत्याशी गगनेन्द्र रघुवंशी, वेंकटेश रघुवंशी का सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी और आम लोगों ने सम्मान किया। इसके बाद समाज सेवी नीरज अग्रवाल, दानवास सरपंच आयुष शर्मा, बैरागढ़ सरपंच सुखपाल सिंह राजपूत समेत कई कांग्रेसियों ने भी उनका स्वागत किया। जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश की राजनीति में चल रहे घटनाक्रम पर मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कई कांग्रेस नेताओं को चिन्हित कर उन्हें बेवजह परेशान कर रही है, ऐसा कर रहा है और उनके वैध निर्माण कार्यों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। कई जगहों पर भ्रष्टाचार चरम पर है। लटेरी से शफीक खान की रिपोर्ट। सर, जैसा कि आपका आज लटेरी दौरा हुआ है, किन मामलों को लेकर जो है लटेरी दौरा रहा आपका? आज वैसे मेरा कार्यक्रम भोपाल से रावण के लिए था, लेकिन बहुत दिनों से मुझे मौका नहीं मिला था लटेरी तरफ आने का। हमारे हुगली खेड़ा परिवार के हमारे बहुत वरिष्ठ हमारे साथी थे गजरा दादा, उनको ट्यूमर हो गया था, बहुत समय से उनका इलाज चल रहा था। वो आज हमारे बीच नहीं है और मैं उनके यहाँ बैठ नहीं पाया था, तो आज मैं वहाँ भी जा रहा था बैठने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ सुनखेर गांव में प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी कार्रवाई हो रही है जिसमें चुनना लोगों पर बेफजूल उसमें उनको परेशान करके जो उन्होंने निर्माण कार्य किया था वो हटवाया गया है। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, लेकिन मूल बात यह है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो भाजपा प्रशासन का एक अत्याचार हो रहा है। अभी हम कल ही लाहौर भिंड में थे, जहाँ हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ में भी इसी प्रकार से भाजपा का वहाँ का प्रशासन षड्यंत्र के माध्यम से उनकी हानि करने का प्रयास कर रहा था, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का। लेकिन हमने हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हमने स्टे प्राप्त किया और कल उसी संबंध में कांग्रेस पार्टी का विशाल धरना प्रदर्शन था लाहौर भिंड में। 8 तारीख को उसी प्रकार से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी दतिया में थे, वहाँ पर भी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वहाँ पर गोली चली थी। उनके समर्थन में जो लोग पीड़ित थे, जिन पर गोली चली थी, उनकी मदद के लिए, उनके सहयोग के लिए